निधि अग्रवाल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का काफी यंग खूबसूरत एक्ट्रेस है, जिन्होंने तेलुगु के साथ ही साथ हिंदी फिल्मों में भी एक्टिंग कर चुकी है और जिन्होंने जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डिबेट अवार्ड जीती है। तो दोस्तों, आज मैं निधि अग्रवाल की बॉक्स ऑफिस कर्ष एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप निधि अग्रवाल के फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, मुन्ना माइकल। ये 2017 का हिंदी एक्शन डांस फिल्म है और इसमें टाइगर श्रॉफ और निधि अग्रवाल और नेवाज़ुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में है। इसमें स्ट्रीट डांसर मुन्ना कैसे मिसिंग हुई डॉली को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, वही इसमें दिखाई गई है और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला है 4 out of 10। और इसका बजट था 40 crore, इंडियन कलेक्शन है 35 crore, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 47 crore और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो टाइगर श्रॉफ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नंबर टू, सब्यसाची। ये 2018 का तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें नागा चैतन्य, आर माधवन और निधि अग्रवाल लीड रोल में है। और इसमें विक्रम का एक हाथ उसके कंट्रोल पे नहीं रहता है और ऐसे करके वो एक वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम से गुजर रहे हैं और जब भी वो कोई खतरे में पड़ जाते हैं तब उसके अनदेखे भाई ने आकर कैसे उसको मदद करते हैं, वही इसमें दिखाई गई है। और इसका बजट था 30 crore, इंडियन कलेक्शन है 20 crore, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 27 crore और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो आर माधवन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नंबर थ्री, मिस्टर मजनू। ये 2019 का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें अखिल अक्की नैनी निधि अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें एक चार्मिंग प्लेबॉय विक्की ने लाइफ में कभी भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं किया है, पर बाद में जब वो निक्की नाम के एक लड़की से मिलते हैं तब वो सच्चे में उसे प्यार करने लगते हैं और तब उसकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वह इसमें दिखाई गई है। और इसमें काफी कॉमेडी के साथ जुड़ा कर रोमांटिक सीन को नजर आई है और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला 6.1 और इसका बजट था 25 crore, इंडियन कलेक्शन है 20 crore, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 24 crore और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर फोर, अस्मत शंकर। ये 2019 का तेलुगु साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है पुरी जगन्नाथ ने और इसमें राम पुथिनिनी, नभा नतेश और निधि अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें क्लर्क के दिमाग में मोबाइल फोन और सिम कार्ड इंसर्टेड होता है और वो पुलिस को कैसे हेल्प करते हैं, वह इसमें दिखाई गई है। और इसमें राम पुथिनिनी का स्मार्ट एक्टिंग को फैंस ने काफी पसंद की है और इसका आईएमडीबी रेटिंग मिला 5.8 out of 10 और इसका बजट था 20 crore, इंडियन कलेक्शन है 50 crore, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 78 crore और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो राम पुथिनिनी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और साथ में पूरी जगन्नाथ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नंबर फाइव, भूमि। ये अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म होंगे और इसको डायरेक्ट करी है लक्ष्मण ने और इसमें निधि अग्रवाल, जयम रवि और सतीश लीड रोल में होंगे। तो दोस्तों, अब जयम रवि के एक्शन के साथ ही साथ उसका निधि अग्रवाल के एक साथ रोमांस देखने के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना। नंबर सिक्स, अशोक गल्ला डिबेट मूवी। ये अपकमिंग एक्शन फिल्म होंगे और इसको डायरेक्ट करी है श्रीराम ने और इसमें निधि अग्रवाल, अशोक गल्ला लीड रोल में होंगे और इसमें काफी एक्शन सीन नजर आएंगे। नंबर सेवन, डबल आई स्मार्ट। ये अपकमिंग साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म होंगे और इसको डायरेक्ट करी है पुरी जगन्नाथ ने और इसमें राम पुथिनिनी, निधि अग्रवाल लीड रोल में होंगे। और आई स्मार्ट शंकर का ह्यूज सक्सेस के बाद डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने इसका सेकंड सीक्वल बनाने की सोच रही है और इसमें पहले से डबल एक्शन डबल धमाका नजर आएंगे। तो दोस्तों, अब इस अपकमिंग फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये रहा निधि अग्रवाल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इस फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सर के बेल आइकन पर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।